पिथौरागढ़ में आरक्षण के विरोध में भारत बंद के तहत सीमांत जिले पिथौरागढ़ के बेरीनाग और गंगोली हाट में अभूतपूर्व बंद रहा, जिसके चलते बाजार में पूरे दिन सन्नाटा छाया रहा। वहीं व्यापारियों ने धरना सूची स्थल में जाकर आरक्षण विरोधी नारेबाजी कर रोष जताया, जिसमें कि व्यापार मंडल को इस दौरान अन्य संगठनों का साथ भी मिला। विभिन्न कर्मचारी संगठनों के द्वारा तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर आरक्षण आर्थिक स्थिति को देखते हुए देने की मांग की गई। वहीं पदोन्नति पर आरक्षण हटाने की मांग भी की गई। सर, ये आरक्षण ऐसा कोड है जिसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति साहब कोविंद जी और मोदी जी भी इसका लुत्फ ले रहे हैं। और मेरा कहने का ये मतलब है कि अब मोदी जी और कोविंद जी को नहीं, उनके स्थान पर जो गरीब दलित हैं या सभी समाज से हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और मैं 1 तारीख को तो करते ही आ रहा हूँ, अब 14 तारीख को भी हमारा ये हो गया है कि हर 1 तारीख और 14 तारीख को हम आरक्षण के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। और देश को पिथौरागढ़ की जनता के हिसाब से ये जाए कि सारा हम स्वर्ण समाज अब एक हो चुका है और देश को, देश में अगर कभी विघटन होगा तो ये कारण आरक्षण ही बनेगा। भारत सरकार की गलत नीतियों के चलते जो आज अध्यादेश लाया गया, अध्यादेश पास कराया गया है, उसमें पूरा स्वर्ण समाज ही नहीं अभी तो हमारा गरीब दलित जो दबा कुचला व्यक्ति है वो भी हमारे साथ में है। हमारा कहना ये है कि क्रीमी लेयरी को क्यों आप इसमें ले रहे हैं? आप गरीब दलित की बात कीजिए, आप गरीब स्वर्ण की बात कीजिए, जो गरीब है उसे आरक्षण दीजिए, केवल पढ़ाई तक उसे पढ़ा लिखा के इतना मजबूत बनाइए जो देश के विकास में अपना सहयोग दे सके। संवाद 365 के लिए पिथौरागढ़ से मनोज चंद की रिपोर्ट।